और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं समय की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में जारी समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर आज ही सुनवाई का जो है वो समय तय किया है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। पूरा मामला दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और शराब नीति को लेकर घोटाले के जो आरोप सामने आए थे उसकी जांच पहले सीबीआई और फिर ईडी ने शुरू की थी और इसी सिलसिले में 8 समन अब तक अरविंद केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं। वहीं राउज रेवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अपील दायर की थी और उसके बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था जिस पर अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को ईडी के सामने के सेशंस कोर्ट में राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश होना था और राउज रेवेन्यू कोर्ट के में पेशी के इस आदेश के बाद में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब सत्र न्यायालय में इसको चुनौती दी गई है। तो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अदालत के समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने 16 मार्च को ईडी की शिकायत के बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होना था और इसी समन से जुड़े हुए तरार और तकरार के बीच में अरविंद केजरीवाल की तरफ से सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई है और 16 मार्च को पेशी के लिए जो समन दिया गया था अदालत में जो उनको पेश होना था उसके खिलाफ उन्होंने सत्र न्यायालय में अपील की है और अरविंद केजरीवाल के बयान का विरोध जो है वो सीए के बयान के बाद सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी इस समय हो रहा है और खासतौर पर यह प्रदर्शन कौन कर रहा है? यह प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान से भारत आए, वो तमाम शरणार्थी जिनके लिए सीए में हुए नागरिकता संशोधन कानून के बाद में अब नागरिकता का रास्ता खुल चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जिस तरीके से बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया, अब ये तमाम लोग उनके घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरी सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, जरा बताइएगा इस समय जो तस्वीरें वहां नजर आ रही हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पर क्या वो ये तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए और अब उनके लिए नागरिकता का रास्ता खुला है लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसके खिलाफ बयान दिए हैं? भागो भागो केजरीवाल भागो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग पाकिस्तान से आए हैं जो शरणार्थी हैं, जो मंटू का टीला इलाके में रहते हैं विस्थापितों की तरह, और इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे हुए हैं। हाथ में जरा इनके प्ले कार्ड देख लीजिए कि किस तरह से पीड़ित जो है, जो विस्थापितों की पीड़ा है उसको बयां करते हुए और केजरीवाल से बयान वापसी की मांग यहाँ पर की जा रही है। इनके हाथ में पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनके हाथ में अपना पासपोर्ट और इनका कहना है कि घुसपैठी की तरह नहीं आए थे, आप अपना वीजा परमिट दिखा रहे हैं। वीजा पासपोर्ट लीगल आए हुए, अनलीगल नहीं है, हमारे पास सारा प्रूफ है, इनका भी वीजा है। बयान दिया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री से, उसके विरोध में आप लोग यहाँ पर आए, क्या आहत है उस बार? हमें कल 70 साल के बाद जो कल केजरीवाल ने जो बयान दिया, हमें बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ है कि जब हमारे को पाकिस्तान में गोलियां मारी जाती थी, हमारी संपत्ति लूटी जाती थी, हमारी बहन बेटी को इज्जत लूटी जाती थी, उससे भी ज्यादा दुख हुआ है कि अपना सनातनी भाई जो केजरीवाल है, सनातन धर्म का दावा करता है, उसने हमें दुखी कर दिया। क्योंकि जो मुसलमान जो करते थे पाकिस्तान में वो हमें दुख नहीं था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बयान से भी बड़ा बयान जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री का सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में सीए वापस नहीं होगा, न तो नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है। तो ऐसे में एक जो बड़ा आश्वासन है इन तमाम लोगों के लिए वो तो केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से आया है। बिल्कुल, देखिए जो गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आया है उसको ये लोग मानते हैं, लेकिन जिस तरह से बयान ये आया केजरीवाल की तरफ से बयान आया कि जब बाहर के लोगों को नागरिकता देंगे तो व्यवस्था जो है देश में वो गड़बड़ होगी, उसी के विरोध में आप लोग ये बयान, उसी बयान के विरोध में आप लोग यहाँ पर। हमारा बयान केजरीवाल वापस करो, अपना बयान वापस करो, हमारा धर्म है। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि अब ये कानून जो है बन गया, आप लोगों को नागरिकता, क्या केजरीवाल ने क्यों ऐसा किया, हमारे साथ क्यों किया ऐसा, हमने क्या जुल्म उससे कर दिया? केजरीवाल हमें चोर बोल रहा है, खुद चोर है केजरीवाल। देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद में जो सियासत सड़कों पर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी उन तस्वीरों के लिए अंजलि आपका। और चलिए Z News.